हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे सब। तो कल हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट साइंस का वो हमने स्टार्ट किया था, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने होने से पहले हम कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ा था मैटर। व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर मैंने क्या बताया था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास हैज इज कॉल्ड मैटर। सब अपनी अपनी कॉपी, अपने नोट्स अपने लिख के रखिएगा, अपने जो लिखे हुए आपको उसे ओपन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड द मैटर। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस रखती है, मास रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और फिर हमने डिफाइन किया था कि मैटर दो टाइप से प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग हमने दो टाइप्स में बांट दिया था उसे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक हमारी कौन सी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था आपका? वो था कि तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं बहुत छोटे 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 होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्थान होता है, स्पेस होता है। और जो थर्ड था आपका था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, लगातार मूव करते हैं, जैसे मैंने गैसेस स्टेट के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट मैंने बताया था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके फिर मैंने एक लाइन लिखी हुई थी डिफ्यूजन के बारे में, है ना। तो डिफ्यूजन के बारे में क्या लाइन लिखी थी? डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि डिफ्यूजन क्या होता है? एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जो कि क्या होता है कि सॉलिड जो कि हमारा क्या है, एक बेस्ड होता है किस पे? मोशन पे, बेस्ड ऑन वन मोशन। मैंने बताया था डिफ्यूजन जनरली किस में होता है? गैसेस में होता है, ठीक है। और उसके बारे में भी बताया था कि वो तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में होता है, क्लियर। तो डिफ्यूजन क्या है? एक बेस्ड है मोशन पे, किसके? गैसेस के मोशन पे, ठीक है, डिफ्यूजन की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो सॉलिड है स्टेट ऑफ मैटर, तीन टाइप के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ा था हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। देन हमने उसको बोला था कि सॉलिड में कौन कौन आता है, जो शुगर होता है, ठीक है, ये आ गया। और लिक्विड में कौन से आते हैं? वाटर हो गया। और हमारे गैसेस में कौन से होते हैं? जितने टाइप्स के भी हमारे गैसेस हैं वो सारी गैसेस में आती हैं। देन हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या था? सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। फर्स्ट मैंने बताया था आपको, सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, ना ही वो अपना शेप चेंज करेगा। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज, सॉलिड्स की बहुत हाई डेंसिटीज होती हैं एंड दे आर हैवी और बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, लाइक आयरन, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, जो सॉलिड है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते, कुछ ना कुछ पार्ट स्पेस रह ही जाता है, मतलब वो पूरे पूरे कंटेनर को, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीट, पूरे कपड़े कंटेनर को फिल नहीं कर सकते, लाइक कुछ ना कुछ स्पेस बचा के रख देते हैं, चाहे ऊपर का बचा के रखे चाहे नीचे का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब इसके बारे में देखो, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उसके पास फिक्स शेप नहीं होता, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, पानी आप एक लीटर ले लो तो आपका क्या है? फिक्स वॉल्यूम हो गया, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं है पानी को। आप चाहे बाल्टी में रखो इसे एक लीटर को, चाहे एक बड़े से बर्तन में रख लो, किसी में भी रख लो, जिस शेप में रखोगे, जिस बर्तन में रखोगे ना, उसी का शेप ले लेगा। इसलिए हमने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, बट दे हैव नो फिक्स शेप, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड कैन कंप्रेस्ड मच, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब उसको भी, लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको भी ज़्यादा दबाए नहीं सकते। भाई एक बार सोचो ना कि जो पानी है, पानी को आप दबाओगे हाथ से तो क्या आपके हाथ में आएगा? वो कंप्रेस होगा क्या? वो अपना शेप या अपने साइज को कुछ चेंज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बहुत ही माइनर केसेस होता है, बहुत कम होता है। सॉलिड तो बिल्कुल नहीं करता लेकिन लिक्विड बहुत कम करता है, बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट है, करता है लेकिन बहुत कम। थर्ड है, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज बट लेस देन सॉलिड। लिक्विड के पास मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज होते हैं, मॉडरेट से लेके हाई डेंसिटी तक पाया जाता है लेकिन सॉलिड से कम ही होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटीज किसकी पाई जाती है? सॉलिड की। डेंसिटीज के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या है बिल्कुल क्लोज होते हैं उसे हम डेंसिटीज कहते हैं।
तो सेम एज लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, लिक्विड मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज को रखती है लेकिन सॉलिड से कम रखती है, याद रखिएगा। फोर्थ है लिक्विड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड भी अपने जो कंटेनर होती है उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से फिल नहीं करती, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते, मतलब उसके डेंसिटीज कम होती हैं, क्लियर। डेंसिटीज मॉडरेट टू हाई होती है इसी वजह से। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमने पढ़ ली, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। आपने आपको पता होगा भाई गैस तो गैस है, उसको उसकी कोई वॉल्यूम नहीं है भाई, कितना लीटर है कितना मीटर है कुछ भी, कितना किलो है समथिंग, कुछ नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, हमें नहीं पता वो कैसे किस शेप में होती है गैसेस, ठीक है। तो गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट है फेसेस, जो गैसेस है कैन बी कंप्रेस्ड ईजली, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लाइक जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस का मतलब उसको दबाया। जैसे ऑक्सीजन गैस के बारे में आपने सुना है, ऑक्सीजन गैस जनरली क्या होती है कंप्रेस्ड हो जाती है, क्यों, जैसे कि ऑक्सीजन जो मास होते हैं और जो बनता है ऑक्सीजन जो हमारे हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं ना, जब मशीन होती है इतने बड़ा सा पंप सा होता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है, मैं भूल रही हूँ कि उसको क्या बोलते हैं, तो जो ये होता है उसमें अंदर कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी हुई होती है, जो कि ऑक्सीजन गैस के रूप में मास के रूप में किसको मिलती रहती है, जो अपने पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल के, उनको वो देते हैं हॉस्पिटल वाले, ठीक है ना, जिनको ज़रूरत होती है, तो वो कंप्रेस्ड गैस होती है, ऑक्सीजन की कंप्रेस्ड गैस होती है। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, तो गैसेस को हम बहुत ही ईजली तरीके से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है गैसेस हैव वेरी फ्लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, जो गैसेस हैं वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। क्यों भाई क्यों कम होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, एक दूसरे से क्या बिल्कुल पास नहीं होती, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है गैसेस फ्लो ईजली, गैसेस आराम से फ्लो कर सकती हैं, लाइक हमारी हाइड्रोजन गैस है वो भी आराम से उसे छोड़ दो तो उड़ जाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन तो हमारी एयर में रहती है वो उड़ती ही रहती है, तो गैसेस फ्लो इजली वो आराम से फ्लो कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, के जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी आपका मतलब हाफ ईयरली तक बिल्कुल आराम से पूछेगा, फाइनली में थोड़ा कम हो जाता है इसका वेटेज, लेकिन जो हाफ ईयरली तक है उसका बहुत वेटेज रहता है। तो एक एक करके के पॉइंट्स को अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम है पूछ लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गैसेस, सबसे पहले हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, अभी टाइप्स ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गैसेस एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बहुत जगह पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी कहाँ लगती है आपकी, जब आपके घर में सिलेंडर है ना, ठीक है, जिसमें हम खाना पकाते हैं जिसमें गैस, वो एलपीजी है आपकी। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हम कंप्रेस करते हैं, इसलिए इससे क्या करते हैं गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ कुछ जो कारें हैं ये सब इनसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलाई जाती है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एक यूनिट, ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि एक लीटर कुछ भी हो, एक लीटर हो और एक मास हो, कितना भी, एक किलो का मास, एक किलो का, एक लीटर का हमारा वॉल्यूम, देन हम कहेंगे वो उसकी डेंसिटी है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज डेंसिटी, मास कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 2 किलोग्राम हो गया मास, वॉल्यूम हो गया हमारा कितना 1, तो हम क्या करेंगे डेंसिटी निकाल लेंगे, कितनी 2 किलोग्राम पर लीटर, 2 किलोग्राम पर लीटर सिंपल हमारे क्या हो गया डेंसिटी हो गई, मैं नीचे वॉल्यूम क्या है यूनिट है ना 1 है ना, 1 से डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 2 ही आएगा सिंपली। तो हमने बताया कि डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स क्या डेंसिटी, ओके। नाउ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज, ऑर्डर है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे,
तो मैं वैसे तो चाहती थी कि इसको और अच्छे से क्लियर करूं, लेकिन धीरे धीरे आपके जब ये चैप्टर क्लियर होगा ना, उसके बाद मैं दोबारा से इन चैप्टर का क्विक रिविज़न कराऊंगी अच्छे से, बिल्कुल एक एक वर्ड, तब तक आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, एक एक चीज़, आई गारंटी। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक और आयरन। तो जो ये देखो, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है, देखो डेंसिटी सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे आयरन क्यों ज़्यादा है। मैं बता देती हूँ आयरन क्यों ज़्यादा है। आयरन क्या है? सॉलिड है, ठीक है, इसलिए आयरन की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या है? चॉक। चॉक हमारी क्या है? वो भी सॉलिड होती है। उसके बाद चॉक आ गई। हनी हमारे यहाँ क्या है? लिक्विड, लेकिन थिकनेस ज़्यादा है उसकी, हनी की थिकनेस ज़्यादा होती है। इसके बाद इसलिए क्या आया? हनी आया। हनी से कम थिकनेस वाला कौन होता है? वाटर होता है। फिर आया हमारा वाटर, फिर आया हमारा कॉटन, क्योंकि कॉटन भी हमारे क्या होता है? बिल्कुल लेयर होती है, उसमें भी लेयर होती है, ठीक है। फिर हमारा कॉटन। तो उसके बाद क्या आया? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी से धुआं निकलता है गैसेस वाली, तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। फिर क्या आया? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। फिर क्या आया? एयर, क्योंकि एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा कम है। और मैंने बताया था जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की सबसे ज़्यादा कम होती है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिजिडिटी, देखो रिजिडिटी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ थोड़ा गलती से लिख दिया है। देखिए रिजिडिटी क्या है? इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रेसिस्ट चेंज इट्स शेप व्हेन एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे ठीक कर लेना, ऐसे रिजिडिटी लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से लिख दिया बच्चे ने, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो रिजिडिटी है, अब हम कहते हैं इट रेफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, ये रेफर करता है उस प्रॉपर्टी के, सॉलिड की उस प्रॉपर्टी को जो कि रेसिस्ट मतलब नहीं काम करने देती, चेंज नहीं होने देती इन इट्स शेप व्हेन इट्स आउटसाइड फोर्स। रिजिडिटी देखो क्या होती है, अगर आपके घर में कोई भी सॉलिड चीज़ रखी है, कोई भी टेबल हो गया, ठीक है, मान लो टेबल ही ले लो, टेबल हो गया तो सॉलिड टेबल, ठीक है, सॉलिड टेबल, अब उसको आप क्या करो, फोर्स लगाओ ऊपर से, ऊपर से फोर्स लगाओ हाथ से, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, क्या वो अपना जो शेप है वो चेंज करेगा आपके फोर्स लगाने से? सोचो, अपना शेप चेंज करेगा? नहीं ना। इट मीन्स वो उस सॉलिड की वो प्रॉपर्टी है, उसी सॉलिड की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। जहाँ पर हम बाहर से फोर्स लगाने के बाद भी उस सॉलिड की वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी रिजिडिटी। तो यहाँ पे क्या बताया है? इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, ये रेफर करता है सॉलिड की उस प्रॉपर्टी को टू रेसिस्ट करने में, कम करने में, चेंज करने में इन इट्स शेप, उसके शेप को रेसिस्ट करता है कि भाई तो चेंज मत हो, रोकता है, रेसिस्ट मतलब रोकता है इन इट्स शेप व्हेन एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड, जब भी हम कभी आउटसाइड फोर्स को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल हो गया चेयर हो गया, प्लांट हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस ड्यू टू विच इट वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। गैस हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ गैस, एक गैस की, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, जिसका वॉल्यूम है उसको डिक्रीज किया जाता है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अब मैंने क्या बताई थी, एक बात बताई थी कि गैसेस को क्या कर सकते हैं? हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? गैस की प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होते हैं? इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। इसका जो वॉल्यूम है मतलब ये जिस भी उसमें, जिस भी बर्तन में रखी जाएगी, जिस भी बर्तन में रखी जाएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। वॉल्यूम डिक्रीज इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, ठीक है। वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम उसका कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ सके। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब हम बाहर से क्या है? प्रेशर दे रहे हैं, पूरा कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब बाहर से धक्का दे रहे हैं कि भाई तू अंदर जाओ, अंदर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अंदर जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को कब कब कहते हैं? कंटेनर को, जैसे हम सामान, मम्मी हमारी क्या करती है, जो कंटेनर होता है उसके अंदर सामान ठूस ठूस के भर देती है, बहुत अच्छे से फिल कर देती है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भाई दबा दबा के दबा देते हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण क्या होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है उसको डिक्रीज करता है। जब हम, कब डिक्रीज होगा? जब हम प्रेशर को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम उस गैस की क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब क्या है? गैसेस हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो गैस है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट देखो फ्लूडिटी। फ्लूडिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग ईजिली इज कॉल्ड फ्लूडिटी। किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी मैटर की कोई भी प्रॉपर्टी हो जो अच्छे से फ्लो कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी।
gases and liquid exhibit the property of fluidity, so they are called the fluids. जो gases होती हैं और liquid होती हैं वो exhibit वो रखती है property of liquid, property of fluidity को रखती हैं. इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, fluids बोलते हैं. क्यों? क्योंकि gases भी क्या होती हैं, वो फ्लूडिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से फ्लूडिटी फ्लो करती हैं, तो उसको हम फ्लूडिटी की फॉर्म में लेके आएंगे. लिक्विड भी क्या करती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, फ्लो करता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, फ्लूडिटी बोलते हैं. क्लियर? तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा. अभी के लिए ना, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, इसमें ज़्यादा हाई मत पढ़िएगा इसको. तो बहुत ध्यान से इतने इतने पार्ट को पढ़ो और अच्छे से कवर करो. इतने पार्ट क्यों बताया, कैसे बताया, एग्जाम्पल सोचो माइंड में, एग्जाम्पल को सोचो. अच्छा ये ऐसे नहीं, वो ना एकदम याद हो जाएगी, दिमाग में चले जाएगी. भाई रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूडिटी क्या होती है, क्यों हुआ वहाँ आगे, सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी थी, लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी थी, और क्या है गैस की क्या प्रॉपर्टी थी. ये इतने पार्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे पढ़ाएंगे और आगे थोड़े से और नोट्स कराएंगे जो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा. लेकिन इससे पहले वाला जितना भी है ना, वो सारा पढ़ लेना. ये आपका होमवर्क है कि आपको पढ़ नहीं है पाते, ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.